अच्छा ओके, तो मार्केट में कैसा एक्सपीरियंस रहा है आपका अर्पण जी? अभी तक तो अच्छा रहा है सर। दोनों टाइप से इन्वेस्टिंग, वैसे म्यूचुअल फंड्स में बहुत पहले से करता था, बट हाँ सीधा शेयर करना लास्ट ईयर से स्टार्ट किया। ओके ओके तो ट्रेडिंग वाले अकाउंट में तो 100% है, इन्वेस्टमेंट वाले में 40% रिटर्न है। तो ट्रेडिंग आप किस में करते हैं? जीरोधा पे सर। नहीं मतलब क्रिस्टीज में, फ्यूचर में, ऑप्शंस में? नहीं, स्विंग स्विंग मोस्टली स्विंग या फिर पोजिशनल, बिकॉज टाइम नहीं मिल पाता इतना कि मैं दिन भर देख सकता हूँ मार्केट को। ओके तो स्विंग ट्रेडिंग करके आपने लगभग 100% का रिटर्न बना लिया है? हाँ जी, हाँ जी, थैंक अच्छा ओके, बहुत अच्छी बात है ये। लास्ट 6 मंथ में यू। आपने लगभग 100% का रिटर्न बनाया, ये बहुत ही फैंटास्टिक रिटर्न है। थैंक यू सर। इसमें एक्चुअली मेरे फील्ड का भी काफी हेल्प है, मैं एडवर्टाइजिंग के उसमें हूँ तो थोड़ा न्यूज़ वगैरह ज्यादा मिलता रहता है। अच्छा ओके, और आपको हमारे चैनल से कुछ फायदा हुआ द हाँ भैया जी सर, ब्रोक से? अच्छा मैंने दो चार ट्रेड्स उससे भी लिए थे जो मीडियम टर्म्स हैं, उसमें से भी एक दो चल रहे हैं अभी, तो उससे जैसे भी कि सर कौन, काफी। किस किस में आपने लिया था ट्रेड? एक सेकंड सर, मैं आपको बताता हूँ। जैसे शुरुआत में मैंने ऐसे केपीआई टी का एक बार लिया था, शायद आपके उससे ही था, वो वॉकहार्ट पे लिया था, ओके कैपलिन, और मेघमणि पे एक बार लिया था, ओके, वो मेघमणि ने काफी। तो बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। हाँ जी, हाँ जी, मैं थोड़ा अब पहले एग्जिट कर गया था उस टाइम पे, तो अच्छा, मैं मेघमणि टारगेट वैसे को 10-15 लेके रखता हूँ, कितने, 15% का? 10-15% का टारगेट लेके फिर मैं एग्जिट कर जाता हूँ मोस्टली, ज्यादा अच्छा ग्रीडी। अच्छा ओके तो थैंक्स फॉर दैट। देखिए मैं तो जो अपनी रिसर्च करता हूँ वही आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, और मेघमनी ऑर्गेनिक्स पे तो मैंने काफी पहले वीडियो बनाया था जब लगभग 50-55 के आसपास चल रहा था। फिर मैंने उसको टेलीग्राम पे भी दिया था, और उसमें तब से ही मैं बोल रहा था कि लगभग 100 रुपये का तो टारगेट मिनिमम उसमें आएगा ही। हाँ तो ठीक है, तो वो 140 के आसपास चल रहा है। जी और क्या एक्सपीरियंस रहा आपको, और कहाँ जॉब करते हैं आप? सर, मैं गुड़गांव में हूँ, मैं प्रोफेशन से ग्राफिक डिजाइनर हूँ। ग्राफिक डिजाइनर से? ओके, गुड़गांव में रहते हैं? जी, वैसे ओके नेटिव प्लेस नैनीताल है। अच्छा, नैनीताल से हैं? ओके, तो अभी अभी फ्यूचर में क्या प्लानिंग है आपको, मतलब स्विंग ट्रेडिंग करके ही पैसा कमाना है या फिर और कुछ की प्लानिंग कर रहे हैं? मोस्टली तो सर स्विंग और पोजिशनल के हिसाब से ही, और मैं इन्वेस्टमेंट पे ज्यादा फोकस कर रहा हूँ अब उस हिसाब से। ट्रेडिंग अभी से वर्कलोड भी ज्यादा बढ़ता जा रहा है ओवर टाइम, तो इसलिए स्विंग के लास्ट हिसाब से ही मोस्टली, और इन्वेस्टमेंट्स के हिसाब से। तो इसमें अच्छा है, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो फिर आपको ट्रेडिंग में जाना ही नहीं चाहिए, मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शंस की मैं बात कर रहा हूँ। नहीं, वो तो वैसे भी मैं थोड़ा उस तरीके से इतना एग्रेसिव इन्वेस्टर, मतलब एग्रेसिव ट्रेडर नहीं हूँ मैं। ठीक है, तो वो अच्छा है, स्विंग ट्रेडिंग एक अच्छा मीडियम है जिससे हम शॉर्ट टर्म में कैपिटल अच्छा अपना ग्रोथ कर सकते हैं, तो करना चाहिए। फंडामेंटली साउंड स्टॉक उठा के अगर थोड़ा नीचे भी है तो टेंशन नहीं होता था। हाँ, ये उसमें टेंशन नहीं होती, अगर थोड़ा नीचे भी चला जाता है तो ये बहुत अच्छी बात है उसमें, और ये माइंड का ही गेम है। अगर माइंड में अगर थोड़ा सा भी हम डिस्टर्ब होंगे तो फिर हम अपनी पोजीशन को काटने की सोचेंगे नीचे लेवल पे। तो शुरुआत में मैंने आगे सिर्फ आज तक एक या दो लॉस बुक करे हैं, वो भी थोड़ा बहुत शुरुआत शुरुआत के टाइम पे। फिर ये फंडामेंटल एनालिसिस पहले पढ़ा, टेक्निकल उसके साथ साथ पढ़ा था, तो फिर आइडिया लग गया था कि ठीक है, ऐसा हर कोई स्टॉक नहीं उठा लेना होता, फंडामेंटली हाँ साउंड स्टॉक होना चाहिए। अच्छा, तो आप जो स्टॉक पिक करते हैं ये न्यूज बेस्ड स्टॉक होते हैं या फिर आप उसमें टेक्निकल या फंडामेंटल देख के स्टॉक पिक करते हैं? न्यूज तो मैं देखता ही नहीं, हमारा टीवी नहीं है, तो आप वैसे भी कॉर्ड कटर जनरेशन है अपन, टीवी तो देख। ओके, ये तो बहुत अच्छी बात है। और तो उसमें टेक्निकल देखते हैं या फंडामेंटल देखते हैं? फंडामेंटली मैंने शुरुआत में काफी रिसर्च करके इसको, मतलब अपने कुछ 100-200 स्टॉक्स की लिस्ट बना ली थी कि ये काफी साउंड स्टॉक है। और नहीं, मैं जब भी मेरे को अपना, जब मैं इचीमोकू ज्यादा यूज कर रहा होता हूँ, और उसके साथ साथ अच्छा अपना
फिबोनाची, तो उसमें जब भी मेरा लेवल आता है तो उसमें बाय कर लेता ओके, तो हूँ, और फिबोनाची हमेशा लाइक का, फिबोनाची पे फिफ्टी कौन से सिक्स लेवल पे आप, रिट्रेसमेंट लेवल जो होता है तो आप कहाँ पे उसको बाय करते, कहाँ तक रिट्रेस होना चाहिए आपके हिसाब से? मैं 23.6 तक का वेट करता हूँ, या फिर उस बहुत ही एग्रेसिव स्टॉक है तो वो जैसे 20 EMA या 50 EMA पे अगर बाउंस कर रहा है तो वहां पे उसके आसपास के लेवल का OGTT लगा के, अच्छा, ओके, तो मतलब वही वेट करता हूँ वहां पे आए तो ठीक है, नहीं आए तो वो भी ठीक है। मतलब हमारे लेवल पे आएगा तभी हम बाइक करेंगे, अदरवाइज नहीं। नहीं, ऐसा कोई नहीं, भाग गया तो भाग गया, स्टॉक अप क्या कर सकते हैं। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है, हमारे लेवल पे आओ फिर हम उसको बाइक करेंगे, अदरवाइज आप जा रहे हो तो जाते रहो। हाँ जाओ गुड, जाते, ऐसा ही हुआ, ऐसा ही स्टॉक स्टॉक उठाना होगा तो फिर मैं इन्वेस्टमेंट ग्रेड से उठाऊंगा कि अभी भी उठा लो कभी भी उठा लो, तो बेचना। टाटा मोटर्स में आपका क्या व्यू है, कि आपने देखा उसको फंडामेंटली कैसा है? टाटा मोटर्स का, हाँ तो टाटा एक टाइम पे हमारा क्लाइंट भी था जिस कंपनी में काम करता था, तो उसका जैसे जो मैनेजमेंट चेंज हुआ है उसके हिसाब से मैं काफी बुलिश हूँ उस पर अभी, और तो मेरे पास वो पड़ा भी है 126 के लेवल से आई गेस। ओके, टाटा मोटर्स पे भी मैंने अपने स्विंग ट्रेडिंग के एक वीडियो में मैंने उसके बारे में काफी डिटेल में बताया था, अगर आपने देखा होगा तो। नहीं सर वो देखा तो नहीं था, बट हाँ सेम व्यू है आपके सर, भी बुलिश तो होना चाहिए। टाटा मोटर्स पे तो बहुत नीचे के लेवल से हमने उसको दिया था और बोला था कि जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा आप उसमें प्राइम ट्रेडिंग कर सकते हैं और ऐड कर सकते हैं, तो आज लगभग 350 का हाई बनाया टाटा मोटर्स, अभी शायद 300 के आसपास चल रहा होगा। हाँ जी हाँ जी, तो ठीक है, बहुत अच्छा है। तो आज क्या सीखने का मन है आपको? कुछ नया मतलब, तो जहां से ज्ञान मिल रहा है वहां से बांट लेना चाहिए। अच्छा, एक्चुअली ये एक मैंने अभी, मैं आपके साथ में स्क्रीन शेयर करता हूँ। आप बाकी लोगों का भी वेट करना चाह रहे तो कर सकते हैं सर। नहीं कोई नहीं, अब जिसको आना होगा वो आ चुका हुआ है, 10 मिनट 10-15 मिनट हो चुके हैं ऑलरेडी। अच्छा प्लीज सर, अप्रिशिएट। तो जो मेरा ट्रेडिंग सेटअप के ऊपर मैंने आज सोचा था कुछ बताऊंगा, तो ट्रेडिंग सेटअप जो मैं यूज करता हूँ उसमें मैं 10 मूविंग एवरेज और 50 मूविंग एवरेज एंड 200 डे का मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज को यूज करता हूँ, और MACD और RSI, ये मेरा ट्रेडिंग सेटअप है जो मैं मोस्टली इसी को यूज करता हूँ। तो एक्चुअली मेरी उम्मीद तो ये थी कि मैं काफी लोग जुड़ेंगे तो ज्यादा अच्छा रहता, लेकिन बहुत ज्यादा लोग नहीं जुड़े हैं आज। इलेक्शन रिजल्ट्स देख रहे हैं सर। एक मैंने ये मैंने अभी रिसेंट में ये एक्सेल शीट बनाई है जिसमें आप देख रहे हैं कि ये जो प्रोमोटर्स की शेयर होल्डिंग है ना, जिसमें आप देखेंगे इस करंट इस क्वार्टर में, यानी कि देखेंगे जनवरी फरवरी मार्च के जो क्वार्टर में यहाँ पे प्रोमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है, जिसमें आप ये देखिए स्क्रीन टाटा सी मोटर्स, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है? फ्रीज हो गई है टाटा केमिकल्स वाले उस पे। ओके, वन सेकेंड, अभी आ गई एक्सेल शीट वाली। हाँ जी हाँ जी, तो ये जो है मैंने एक्सेल शीट बनाई है जिसमें आप देख रहे हैं प्रोमोटर्स की होल्डिंग, जहां पे प्रोमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है, और FIIs की शेयर होल्डिंग और DIIs की शेयर होल्डिंग। ये मैं रिसेंट रिसेंट क्वार्टर का ये डाटा है, मतलब जनवरी फरवरी मार्च में जो इन्होंने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया डिक्रीज किया है, तो मैंने जो जिसमें टॉप की होल्डिंग इंक्रीज की गई है प्रोमोटर्स के द्वारा,
उसमें सबसे नंबर वन पर टाटा मोटर्स है, जिसमें आप देखेंगे प्रीवियस क्वार्टर में इनके पास 42.39% की होल्डिंग थी, और करंट क्वार्टर में इस क्वार्टर में इनके पास में 46.41 की, यानी 4% से लगभग इन्होंने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है। तो जहाँ पे प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं ना, तो ऐसे स्टॉक को हमें जरूर अपनी वॉच लिस्ट में रखना चाहिए कि कुछ तो कंपनी में पॉजिटिव होने वाला है, तभी उसके प्रमोटर्स जो है उसमें होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। जी उसके बाद में आप देखिए HPCL, इसमें आप देखेंगे तो लगभग 1.93% से होल्डिंग बढ़ाई है। लास्ट क्वार्टर में 51% की होल्डिंग थी और अभी 53.50 की होल्डिंग हो गई है। ऐसे BRL लॉजिस्टिक्स में आप देखेंगे तो 1.54% की होल्डिंग, यहाँ पे 1.54% से होल्डिंग को इंक्रीज किया है। जी दीपक फर्टिलाइजर, गोदरेज इंडस्ट्रीज, इसमें भी आप देखेंगे इन्होंने होल्डिंग को बढ़ाया है प्रमोटर्स ने। तो मेन चीज मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आप यहाँ पे देखिए FIIs ने भी यहाँ पे कितनी ज्यादा होल्डिंग को बढ़ाया है, जिसमें आप देखेंगे पॉली मेडिकेयर में आप देखेंगे 8.86% से होल्डिंग बढ़ाई है। आदित्य बिरला फैशन में आप देखेंगे 7.67%। आप ये सब चीजें चेक करते हैं किसी भी, जब फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं तो ये सब चीजें चेक करते हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। फंडामेंटली अगर मैं साउंड नहीं हूँ तो मैं स्टॉक को हाथ भी नहीं लगाता। तो आपको क्या लगता है इन सब चीजों को चेक करना जरूरी है, इनका कोई फर्क पड़ता है? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। वो इन जो बिग प्लेयर्स होते हैं, शार्क होती है, उनको तो आइडिया होता ही है कि क्या क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। तो एक मेरी नोन कलीग है, उनकी उनकी वाइफ है, वो सिटी बैंक में है, वो भी बताती रहती हैं, और मतलब जैसे उनके पास जो इनसाइडर रिपोर्ट्स आती हैं वो भी शेयर करती रहती हैं। अच्छा, ओके। तो अभी आप देखेंगे आदित्य बिरला फैशन लाइफ फैशन एंड रिटेल्स में आप देखिए 7.67% से FIIs ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है। टाटा कम्युनिकेशन में आप देखेंगे 6.75% से इन्होंने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है। APL अपोलो ट्यूब्स में आप देखेंगे 6.39% से होल्डिंग को बढ़ाया है। अपोलो टायर्स में देखेंगे तो 5.45% से होल्डिंग को बढ़ाया है FIIs ने। उसके बाद में DIIs में अगर आप देखें तो साउथ इंडियन बैंक, यहाँ पे इन्होंने लगभग 13.48% से DIIs ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है। NFL में आप देखेंगे तो 13.08% से बढ़ाया है। बैपको इंडिया में आप देखेंगे तो 11% से इन्होंने बढ़ाया है। RBNL यानी रेल विकास निगम लिमिटेड लिमिटेड में भी इन्होंने 8.31% से बढ़ाया है। और एक यहाँ पे फंटास्टिक आप देखिए टाटा कम्युनिकेशन, टाटा कम्युनिकेशन में आप देखेंगे 6.13% से होल्डिंग बढ़ाई है DIIs ने। तो हमने ये टॉप 5 कंपनीज ली हैं जहाँ पे तीनों लोगों ने अपनी जो टॉप की होल्डिंग है उन्होंने बढ़ाई है इस क्वार्टर में, वो मैंने उठाई है 5-5 कंपनी हर एक उसमें से। तो जो टाटा कम्युनिकेशन है यहाँ पे आप देखेंगे DIIs में भी इसकी लिस्ट में आता है, और ये देखिए FIIs की लिस्ट में भी टाटा कम्युनिकेशन आता है। तो अब आप यहाँ पे एक व्यू ये निकल के आता है कि टाटा कम्युनिकेशन पे FIIs एंड DIIs दोनों लोग ही बुलिश हैं और दोनों लोगों ने ही अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है। तो ऐसी कंपनीज को हमें जरूर चार्ट पे लगा के देखना चाहिए। तो अब देखेंगे कि अभी आपको हमारी चार्ट वाली स्क्रीन दिख रही है? अभी एक्सेल शीट दिख रही है सर। अच्छा, तो ऐसे स्टॉक को हमें जरूर स्टडी करना चाहिए। तो आप चार्ट कौन सा देखते हैं, डेली, वीकली या मंथली, तीनों 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 देखते हैं? तो अगर आप देखिए मंथली के चार्ट पे अगर हम देखें तो आपको एक इस पे एक पैटर्न दिखाई दे रहा होगा मंथली पे, तो इसको हम डबल बॉटम कह सकते हैं एक तरीके से। और रिसेंटली इसने जो हाई था इसका लगभग 2000 का, 2000 का जो हाई था उस हाई को भी इसने ब्रेक कर दिया, यानी कि स्टॉक में बहुत बड़ी तेजी इसमें बनी है और आगे उम्मीद भी है इसमें और भी तेजी ऐसे ही बरकरार रहेगी। तो इसमें आप देखिए जो RSI है,
RSI आप देखिए 40 60 को क्रॉस करके लगभग 73 के आसपास है। तो RSI हमें ये शो करता है कि जो भी मूवमेंट है उस मूवमेंट में कितना फोर्स है, मतलब उसमें मोमेंटम कितना है। तो अगर RSI 60 के अबव निकलती है, मैं ये 60 और 40 को ही फॉलो करता हूँ, तो 60 के ऊपर निकलती है तो हमें ये लगता है कि स्टॉक में बहुत ज्यादा मोमेंटम है ऊपर जाने का। तो यहाँ पे हमें ये स्टॉक अच्छा लग रहा है वीकली। वीकली पे देखिए RSI थोड़ा सा यहाँ पे डाउन हुआ है, तो जी जो यहाँ पे करेक्शन भी दिखा रहा है, तो इस जब स्टॉक इतने ज्यादा रैली लेता है तो थोड़े बहुत तो उसमें करेक्शन आनी ही है, स्वाभाविक है, वो तो आएगी। लेकिन वो करेक्शन कहाँ तक आती है वो हमें वेट करना है कि करेक्शन अगर हमारे, जैसे कि आपने कहा फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल हम लगाते हैं, तो फिबोनाची अगर हम ड्रा करते हैं यहाँ से अगर वीकली चार्ट पे, तो आप देखिए जो लेवल आया है लगभग 23.6% के आसपास ही लेवल, ये यहीं पे ही रिट्रेस मतलब ऊपर नीचे हो रहा है, इसको नीचे नहीं तोड़ रहा है। तो इसका मतलब ये इस लेवल को रेस्पेक्ट कर रहा है, मतलब इससे ज्यादा जाने की उम्मीद इसमें नहीं है, ठीक है। तो ये हमें एक लेवल मिल गया कि इससे नीचे ये जाने की नहीं सोच रहा है। अगर नीचे जाएगा तो अलग चीज है, वो स्टॉप लॉस है उसके लिए हमारा। अब हम डेली पे देख लेते हैं कि डेली पे ये क्या कर रहा है। डेली पे आप देखिए ये RSI 40 के आसपास मतलब नीचे की तरफ आ रहा है, हो सकता है ये 40 पे सपोर्ट ले। अगर 40 पे सपोर्ट लेता है, 40 क्रॉस नहीं करना चाहिए नीचे की तरफ, अगर 40 पे सपोर्ट लेके RSI ऊपर की तरफ घूमे, और MACD में भी ठीक MACD लाइन सिग्नल अभी तो नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, इसको आप बड़ा करके देखेंगे तो MACD लाइन सिग्नल लाइन को क्रॉस करके नीचे जा रहा है, तो ये नीचे चला जाए और उसके बाद में जब फिर से ये MACD लाइन सिग्नल लाइन को क्रॉस करेगा तो हमें एक एक तो ये क्रॉस करे, उसके बाद RSI 40 पे सपोर्ट लेके स्टॉक ऊपर ऊपर की तरफ ट्रेंडिंग हो जाए, और यहाँ पे कोई ऐसी कैंडल फॉर्म हो, कैंडल स्टिक मैंने जो फर्स्ट क्लास ली थी उसमें कैंडल स्टिक पैटर्न पढ़ाया था मैंने, तो अगर आपने अटेंड किया हो तो आपको पता होगा कि सर मैंने पहली पहली बार अटेंड किया है आपका वेबिनार। तो उसमें मैंने कैंडलस्टिक के सारे पैटर्न पढ़ाए थे। तो बहुत सारे कैंडल होती हैं, जैसे कि जो बुलिश कैंडल हो, जो बुलिश पैटर्न हो, जैसे कि बुलिश इंगल्फिंग हो गया, बुलिश सरामी हो गया, यहाँ पे मॉर्निंग स्टार बन सकता है, यहाँ पे हैमर बन सकता है, इन्वर्टेड हैमर बन सकता है। तो इस तरीके का कोई बुलिश पैटर्न अगर फॉर्म हो रहा है तो अभी तो यहाँ पे हमें बाई नहीं करना है, ठीक है, सब कुछ ओके है, लेकिन यहाँ पे हमें बाइंग के सिग्नल नहीं मिल रहे कि हो सकता है कि इसको यहाँ से ब्रेक करके ब्रेक डाउन हो जाए इसमें, क्योंकि स्टॉक बहुत ज्यादा चढ़ भी गया है। और अभी देखिए 50 और 50 मूविंग एवरेज के नीचे है और 10 मूविंग एवरेज के नीचे है, तो अभी तो इसमें कोई भी बाइंग के संकेत नहीं। हालांकि होल्डिंग बढ़ाई हुई है दोनों ने, FIIs ने और DIIs ने भी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें कभी भी जाके हम स्टॉक को बाई कर ले। उससे हमें ये पता चलेगा ठीक है स्टॉक अच्छा है, जो करेक्शन पे हम इसको ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब तक हमें बुलिश सिग्नल नहीं मिलेगा तब तक हम इस स्टॉक में एंट्री नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन इसको अपनी वॉच लिस्ट में जरूर लगाना चाहिए क्योंकि बहुत सारे इसमें पॉजिटिव पॉइंट हमें मिल रहे हैं, जी ठीक है। तो एक तो ये कि यहाँ पे हमें बुलिश सिग्नल मिलना चाहिए, या बुलिश कोई भी पैटर्न फॉर्म हो तो हम बाई करेंगे, और ये हमारा प्राइस जो है 10 और 50 मूविंग एवरेज के ऊपर हो तो ज्यादा बेटर। अभी देखिएगा 10 और 50 जो है दोनों ना आपस में मिल गए, तो अभी कंफ्यूजन है कि ऊपर भी नहीं जा रहा है और नीचे भी नहीं जा रहा है, ये हो सकता है कि साइडवेज रहे। और जो भी अच्छे स्टॉक होते हैं, मोमेंटम वाले स्टॉक हो जिसमें कोई अच्छी तेजी आनी होती है, ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, तो जितना ज्यादा ये साइडवेज रहेगा स्टॉक, इसका मतलब इस लेवल पे इस पॉइंट पे इसमें एक्युमुलेशन हो रहा है एक नई तेजी के लिए, ठीक है। अगर ये इस चैनल को, ये जो चैनल फॉर्म होगा, अगर हम मान लीजिए इसको हम किसी रेक्टेंगुलर से डिजाइन करते हैं, मतलब ड्रॉ करते हैं इस तरीके का जो चैनल फॉर्म हो रहा है, इस चैनल को क्रॉस करके अगर स्टॉक ऊपर निकलता है तो इसका मतलब ये है कि उस स्टॉक में तेजी आएगी बहुत ज्यादा, और इसको अगर ब्रेक डाउन करके स्टॉक का प्राइस नीचे निकलता है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो इसकी स्ट्रेंथ थी वो लूज कर दी इसने, अब इसमें हमें उतनी जल्दी तेजी देखने को नहीं मिलेगी।
तो इस चैनल को जब तक ये फॉर्म कर रहा है, एक तो ये कि आप जो इसका हाई है, सपोज कि इसका जो हाई बनाया था लगभग इसने 1100 यानी कि 1189 का हाई है इसका, तो आप लगभग 1200 के आसपास इसमें आप या तो अलर्ट लगा दें, जीरोधा में आपको अलर्ट लगाना आता होगा आई थिंक, तो वहां पे आप अलर्ट लगा दें, या अगर आपके पास कैपिटल फ्री है तो आप जीटीटी ऑर्डर लगा दें, ठीक है। यहाँ पे तो जब इस हाई के ऊपर निकलेगा तब हमें बाई करना है, और इसका स्टॉप लॉस हमें कहाँ पे लगाना है, क्योंकि कोई भी ट्रेड हमें लेने से पहले स्टॉप लॉस जरूर पता होना चाहिए कि उसका स्टॉप लॉस कितना होगा। तो स्टॉप लॉस तो ये है कि जो इसने जो अभी स्विंग बनाया है, जो मतलब जो जिस जिस फेज में इसमें एक्यूमुलेशन हुआ था, उस फेज को वो नहीं तोड़ेगा। अगर इसमें कोई बड़े प्लेयर से एंट्री किया है उसने, तो इस फेज को यानी ये जो लो है इसको तोड़ने में इसको बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। तो उसके नीचे लगभग 1% का या आधा परसेंट का बफर लगा के उसके नीचे हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, और हम इसमें आगे की रैली एंजॉय कर सकते हैं। तो इस तरीके से इस सेटअप का मैं यूज करता हूँ, और इस सेटअप के हिसाब से हम अपने मोस्टली ट्रेड हम इस सेटअप पे काम करते हैं। बाकी और भी चीजें हैं बहुत सारी, जिस कई कभी कभी मैं बोलिंजर बैंड का भी यूज करता हूँ, लेकिन मोस्टली मैं इन्हीं मतलब फंडामेंटल जो भी स्टॉक में देता हूँ स्विंग ट्रेडिंग के लिए, वो मैं इसी पैटर्न के हिसाब से देता हूँ, इसी ट्रेडिंग सेटअप के हिसाब से देता हूँ, जिसमें मैं 10, 50 एंड 200 मूविंग एवरेज एंड वैल्यूम भी जरूर देखता हूँ। वैल्यूम तो ऑफकोर्स देखना ही चाहिए, MACD, RSI, और किस लेवल पे एंट्री करना है उसके लिए मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल इसका यूज करता हूँ। तो ये जो है मेरा ट्रेडिंग सेटअप है और इस पे ही हम काम करते हैं। जी तो अभी आप लोग कितने लोग जुड़ गए हैं, और कोई क्वेश्चंस है, कुछ डाउट है तो आप बताइए। और सर दो क्वेश्चंस हैं मेरे। एक तो आपका व्यू चाहिए मेरे को KPIT के ऊपर लॉन्ग टर्म के लिए, अच्छा और सेकंड है एक बहुत इलिक्विड स्टॉक है पुल्स, और अच्छा उसका मतलब उसमें जैसे वो मतलब एक आई गेस ऐसा कोई कंपनी डिक्सन को छोड़ के शायद ऐसा नहीं है जो इतना इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के अंदर है, वो साउंड सिस्टम के अंदर है पुल्स, और बहुत ही मतलब नैनो कैप है वो एक तरीके से। ऐसे स्टॉक में अगर वैसे उसमें था भी कि अगर मेरे को एक साथ कोई स्टॉक 9.75 पे बहुत महीनों से अटका हुआ था, आई गेस उससे नीचे भी नहीं था, और अभी 2-3 दिन से उसमें फिर अपर सर्किट लग रहा है, तो ऐसे स्टॉक के लिए आपका क्या व्यू है कि ऐसे उठाना चाहिए अगर मेरे को उस कंपनी में थोड़ा लगता है कि ठीक है आगे चल के क्या कुछ नाम होगा बताया, नहीं। पॉली क्या नाम है? पुल्स पुल्स PULZ। ओके, पुल्स इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। जी इस कंपनी का जो वैसे कहना चाहिए जो काम करती है उसमें मेरा इंटरेस्ट है, वो थोड़ा मेरा मतलब फील्ड भी है, लेकिन उसके जैसा कोई कंपनी अच्छा और दिखता। एक सेकेंड, हम थोड़ा सा स्क्रीनर पे ये देख लेते हैं। इसके बारे में, इन इंग्लिश बिजनेस ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज। तो सर स्पीकर्स बनाते हैं जैसे आपके जो सिनेमा हॉल्स वगैरह के अंदर स्पीकर्स होते हैं, साउंड सिस्टम्स होते हैं, हाँ तो उस बिजनेस में ये अच्छा मार्केट कहते हो अभी इसका बहुत जैसे 18 करोड़ के आसपास भी था, वहां से गिर करके अभी 5 करोड़ के आसपास हो गया। हाँ, अभी 5.83 करोड़ का मार्केट कैप है और 10 रुपीज इसकी प्राइस चल रही है, और 16 का हाई है, 9 का लो है, बुक वैल्यू 24 की है, स्टॉक P 2.72 का है, डिविडेंड यील्ड है ओके, इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड ROE दोनों भी अच्छी दिखाई दे रहा है। बट इसमें यही था कि सीधे बल्क बाइंग करनी थी, एटलीस्ट 4,000 स्टॉक्स एक साथ या फिर ऐसा कुछ था। आपने किया है? नहीं, किया नहीं है वो, खाली स्टडी कर रहा था तब देखा था। अच्छा, बल्क डील हुई है इस कंपनी में एक्चुअली, ऐसा बोल रहे हो आप? नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि इसमें आपको एक बारी में अगर परचेज करना है, आप देखेंगे अपने उस पे जाके, तो इसमें सीधा दिखाता है कि आपको 4,000 स्टॉक्स एक साथ उठाने हैं, आप 10, 20, 50 करके नहीं उठा सकते। अच्छा, ये जी ऐसा क्यों? वो आई गेस इलिक्विड स्टॉक है इसलिए काफी वो रहता नहीं है इसमें नहीं, अगर एक्शन। कोई सेलर है, अगर वो मान लीजिए 4000 स्टॉक भी अगर
दे रहा है आपको, तो हम उसमें से अगर एक भी बाई करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा, ऐसा तो कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। फिलहाल अभी तो तो दिखेगा अभी नहीं, मार्केट बंद है। हाँ, अभी जैसे 9.75 पे काफी दिन से रुका हुआ था, तो उस टाइम पे ऐसा ही आपको अगर परचेज करने हैं तो सीधा मतलब आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट एटलीस्ट 39,000 का होगा। ओके, तो और ये काफी दिन तक अगर यहाँ आप देखे तो ये ट्रेड भी नहीं करा है बीच में, मतलब ऐसा दिखाता था कि मार्च में 18 या 19 मार्च से कोई ट्रेडिंग नहीं हुई है, लास्ट एक दो दिन में। एक्चुअली ऐसे स्टॉक से दूर रहना चाहिए जिसमें ट्रेडिंग ही नहीं हो रही है। ऐसे स्टॉक से, ऐसे स्टॉक को लेना ही क्यों है, सबसे बड़ी बात तो ये है। नहीं, वो स्टडी पर्पस से मैं देख रहा था कि ऐसा भी हुआ, बाद में खुद पता चला कि अच्छा ऐसे भी होता है कि ट्रेड ही रुक जाता है बहुत दिन तक किसी स्टॉक में। ट्रेड नहीं होता किसी स्टॉक में, अगर ट्रेडिंग ही नहीं होगी तो आप कभी अगर बेचना भी चाहोगे तो वो बिकेंगे नहीं आपके शेयर। बायर ही नहीं होगा फिर उस टाइम पे। तो जिस एक और स्टॉक में ट्रेडिंग, जैसे रैंडम क्वेश्चन सर, बट ऐसे इसका 5.93 का के आसपास करोड़ का मार्केट कैप दिखा रहा है, अगर कोई सीधा इसको कंपनी को खरीद लेगा तो उसको पूरा क्या 6 करोड़ रुपए के आसपास में पूरा कंपनी खरीद लेगा। हाँ बिल्कुल खरीद लेगा बिल्कुल। अभी आप ये देखिए ना, नंबर ऑफ शेयर इसके कितने हैं, इसका इक्विटी कैपिटल अगर आप देखेंगे 5.45, 5.45, ओके। और इसकी हाँ 10 रुपये फेस वैल्यू है, ठीक है, 10 रुपये प्राइस चल रही, ठीक है। तो इसके नंबर ऑफ शेयर ही इतना ही है, जो अगर लगभग 0.5 करोड़ के आसपास, इसमें 5.83 करोड़ का जो मार्केट कैप है, तो इसके नंबर ऑफ शेयर ही 0.5, 0.583 करोड़ के नंबर ऑफ शेयर हुए, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5.8 करोड़ होगा, जाके खरीद सकता है पूरी कंपनी को। अच्छा ठीक है, ठीक है, दैट आंसर्स। और सेकंड क्वेश्चन सर, केपीआईटी पे था। KPIT 5,407 करोड़ का ऐसा मार्केट कैप है, 197 इसका प्राइस चल रहा ये मैंने लॉन्ग टर्म व्यू से लिया है, 114 के आसपास की मेरी बाइंग है इस पे, ऑलमोस्ट 100 स्टॉक्स की है। इस पे। मतलब फंडामेंटली आपको कैसा स्टॉक लगता है, साउंड लगता है, आप थोड़ा इस पे अगर बता सकते हैं। मेरे हिसाब से तो है इसमें ग्रीन एनर्जी, और जैसे इसके जो वो भी हैं क्लाइंट्स हैं वो यूरोपियन मार्केट में ज़्यादा है। KPIT पे मैंने इस कवरेज तो किया था, आई थिंक ये KPIT बहुत अच्छा स्टॉक है, ये मैंने काफी पहले इसको दिया था। इस स्टॉक को तो होल्ड करना चाहिए अभी फिलहाल मेरे हिसाब से। टेक्निकल सेटअप पे तो हमें कोई अच्छा सिग्नल नहीं दिखाई दे रहा है कि इसमें हमें स्टॉक को निकालना चाहिए। बाकी फंडामेंटल अगर आप देखें, मोटा मोटा अगर एक चेक कर लें, ओवरव्यू हल्का सा ओवरव्यू ले लें, तो बुक वैल्यू इतना, डिविडेंड यील्ड थोड़ी कम है, आरओसी एंड आरओई भी ठीक ठाक है, 10 का फेस वैल्यू, इक्विटी डेट इक्विटी रेशियो ठीक है, कंपनी के पास डेट बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इसका अच्छा है, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम है नहीं डेट से रिलेटेड। इंडस्ट्री P26 का, इसका P39 चल रहा है। प्रमोटर्स की होल्डिंग 40% की है। लास्ट ईयर का EPS 5.5.12, ओके, 26 मार्केट कैप टू सेल्स रेशियो, और इसका क्वार्टरली मार्च क्वार्टर में सेल्स में ग्रोथ है, लेकिन बहुत ज्यादा ट्रेमेंडस ग्रोथ नहीं है, लेकिन ठीक ठाक है। और इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी 16% के आसपास चल रहा है, जो कि ठीक है अभी फिलहाल। और फंडामेंटली भी ठीक ही लग रहा है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी भी ठीक है, इन्वेस्टिंग में ओके, फाइनेंस में, डिविडेंड वगैरह तो दे ही रही ना कंपनी है।
अभी तक एक भी आया तो नहीं है, मतलब मैंने उस पर्पस से लिया भी नहीं है, मेरे को ग्रोथ स्पेसिफिक ज्यादा लग रहा था ये तो। डिविडेंड के लिए पोर्टफोलियो में दूसरे स्टॉक्स रखे हुए हैं जो मतलब लार्ज कैप वाले जो होते हैं। एक कंसर्न ये रहेगा कि आप ये देख रहे हैं ना, प्रोमोटर ने थोड़ा सा जो यहाँ पे अपनी होल्डिंग को कम किया है लगभग 2% से। बट ये इसका ये रीजन नहीं हो सकता कि DIIs वगैरह इसमें ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। FIIs अगर आप देख रहे हैं तो FIIs का तो 23% की होल्डिंग थी पिछले मार्च 2020 में, उसके बाद में अभी देखिए आप 21 के आसपास रह गई है इस क्वार्टर में, तो इन्होंने तो यहाँ पे 1% से लूज ही किया है। हाँ अगर आप देखेंगे तो DIIs ने लगभग 12% की होल्डिंग थी लास्ट ईयर और अभी लगभग 15% के आसपास है, तो DIIs ने थोड़ा सा यहाँ पे अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है। एक चीज और देखेंगे इस कंपनी के बारे में, अगर इसकी जो है प्लेसिंग तो नहीं है कंपनी में। अच्छा ये आप देख रहे हैं ना 18% का इसका शेयर प्लेस था और यहाँ पे इन्होंने 4.54 कर दिया, यानी इन्होंने प्लेसिंग भी अच्छा से कम किया हुआ है। तो ठीक है, हालांकि यहाँ पे इन्होंने होल्डिंग को तो कम किया है लेकिन प्लेसिंग भी कंपनी में कम हो रही है और यहाँ पे DIIs थोड़े से इस पे पॉजिटिव है। अगर पब्लिक होल्डिंग में देखेंगे तो आप देखें निपॉन इंडिया है, ठीक है, और फ्रैंकलिन है, IDFC है, टाटा डिजिटल, ISS प्रोडेंशियल, आदित्य बिरला, कुवैत, तो इनके पास में होल्डिंग है, काफी म्यूचुअल फंड के पास में है इनकी होल्डिंग। तो सेफ हैंड्स में मान सकते हैं अभी के लिए तो। हाँ तो अभी तो फिलहाल सेफ ही लग रहा है, फंडामेंटली बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। इनसाइडर ट्रेडिंग की रिपोर्ट में अगर आप देखेंगे तो अच्छा, ये जो इन्होंने होल्डिंग कम की है ना, ये ई शॉप के थ्रू ये शेयर इन्होंने बेचे हैं लगभग इतने, और 10 मार्च को लगभग ये बड़ी होल्डिंग यहाँ पे ये सेल की गई थी इन्होंने, जिसकी वजह से इनकी होल्डिंग कम होते हुए दिखाई दे रही है। 10 मार्च को किया है मार्केट में सेल किए हैं ये शेयर किशोर पाटिल ने, और ये एम्प्लॉय फंड जो होता है ना, एम्प्लॉय जो ट्रस्ट होता है ई शॉप, जी तो उसके थ्रू ये एम्प्लॉय के नाम पे शेयर वगैरह बाय भी करते हैं और वहां से सेल भी करते हैं, तो वहीं पे ई शॉप के थ्रू इन्होंने ये सेल किया है मार्केट में ये शेयर किया है। बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी क्वांटिटी नहीं है लेकिन हाँ थोड़ा सा इन्होंने कम किया है, हो सकता है कि जरूरी नहीं है कि इसमें थोड़ा सा अगर डिटेल में और जाना पड़ेगा कि ये देखना पड़ेगा कि इन्होंने जो होल्डिंग कम की है वो क्यों कम की है, हो सकता है इन्होंने अपना डेट कम किया या अपनी प्लेसिंग को वगैरह डेट कम किया हो या और कुछ, वो देखना पड़ेगा। हालांकि प्लेजिंग तो इनकी कम हो रही है। तो ये स्प्लिट भी हुआ था उससे, AB सॉफ्ट से, आदित्य बिरला सॉफ्टवेयर जो कंपनी, उससे स्प्लिट हुआ था ये KPIT। तो बस अभी टेक्निकल पे तो कुछ दिक्कत ज्यादा लग नहीं रही है, अभी तो आप देख रहे हैं जो 10 मूविंग एवरेज है उसी को ही नहीं छोड़ रहा है, ये उसका ही सपोर्ट लेके ऊपर निकल रहा है एटलीस्ट। तो अगर मान लीजिए कहीं अगर इसमें दिक्कत लगे तो 20 मूविंग एवरेज के नीचे अगर आप देखेंगे तो अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, लेकिन हालांकि ये इतनी जल्दी तोड़ेगा नहीं इसको। अच्छा ठीक है, अभी तो स्टॉक में ऐसा कुछ मुझे नहीं दिखाई दे रहा है कि इस स्टॉक से निकलना चाहिए। थैंक यू सर। ठीक है, और कोई किसी का क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है। तो अर्पण जी आपको ये यहाँ तक तो क्लियर है ना, हाँ जी सर, हाँ जी। और कोई क्वेश्चन है तो बताइए। ठीक अभी तो ये था सर, बाकी होगा तो मैं कब नेक्स्ट वेबिनार पे भी जरूर ज्वाइन करूंगा। अच्छा, आप एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप जो है स्टॉक को कैसे फाइंड आउट करते हैं, किस किस कहाँ से देखते हैं स्टॉक? मोस्टली ये इस पे स्क्रीनर पे, वरना KP उस पे जो अपना टिकर टेप है वहां से मैं ज्यादा वैसे
देखें अच्छा टिकट स्टॉक्स टेप का को। यूज करते हैं, इसको नहीं यूज हाँ, करते हैं और स्टॉक एज को। नहीं, इससे पहले मैंने टिकट टेप ले लिया था एक्चुअली। अच्छा उसका प्रीमियम वर्जन ले रखा है आपने। अच्छा टिकट टेप का जी। और वैसे मैंने आपको बताया ना, मैंने एक लिस्ट बना रखी थी, मतलब जैसे 200-250 कंपनी के आसपास, तो उनपे ही मैं ज्यादा अभी फोकस कर रहा हूँ। और वैसे भी टाइम नहीं मिल पाता तो उनमें ही ज्यादा हो जाता है, मतलब जितना काम करना अच्छा होता ओके चलिए ठीक है अरमान जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा मुझे। है। सेम है, सेम है सर। थैंक यू सो मच। चलो आप जैसे लोग मिलते रहते हैं तो थोड़ा सा मोटिवेशन भी मिलता है, और क्योंकि एक्चुअली क्या है ना, काम तो हम कर रहे हैं सारे लोग, लेकिन थोड़ा सा डिस्कशन होता है तो कुछ पता चलता है, इंटरेक्शन होता है तो पता चलता है कि कौन क्या कर रहा है और क्या स्ट्रेटेजी है, तो उससे अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है हमारी भी और आपकी भी। तो जी ये बस यही एक मोटिव रहता है, बाकी सब ठीक है। बिल्कुल सर, तो ठीक है फिर आज का फिर एंड एंड करते हैं यहीं पे। ठीक है जी। थैंक यू सो ओके मच। चलो ओके बाय, थैंक यू।